अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? सब कह रहे से ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। जैसा कि आपको पता आज ईद का दिन है, तो आज आप हम आपको दिखाते हैं जो हमारी कुर्बानी की ईद के ऊपर जो बकरे शकरे आए हुए हैं उनका भी विज़िट करवाते हैं, और जो हमारा बड़ा जानवर है वो भी चल के आपको दिखाते हैं ईद पे उसकी क्या सूरत हाल है। तो फिलहाल ये हमारी सफाई चल रही हैं क्योंकि रात को हमने यहाँ पे बकरे वगैरह खड़े किए थे। हमारे कुछ बकरे हैं जो इस टाइम ग्राउंड में चहल पहल रहे हैं, इनके साथ भी गपशप करते हैं चल के, इनसे हाल वाल लेते हैं, इनका भी हाल वाल दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दे और शेयर भी कर दे ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो ये जी हमारे कुछ दोस्त हैं, अभी तीन आए हैं, बाकी कहाँ हैं? अच्छा, तो ये जी हमारे बकरे, तो ये तीन वही रात वाले अभी टहल पहल रहे हैं। हमने इन्हें कहा है भाई जान जो खाना पीना है खा पी लो, फिर हमारी टाइम आएगा 2 बजे के बाद फिर हम इनको खाएंगे, क्योंकि पूरा सारा साल इनको पालते हैं और पालने के बाद ही हमें ये खाना नसीब होता है। तो फिलहाल ये जो है ना अपनी चराई शराई कर रहे हैं क्योंकि हमारा कसाई भी नहीं आया अभी तक, तो उसका भी वेट हो रहा है। जब तक ये कसाई आएगा हमारा नंबर लगेगा तब तक जो है ना हम फार्म पे चलते हैं, वहाँ पे जो हमारा बड़ा जानवर हमने रखा हुआ है उसको भी अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं। या अल्लाह हमारी इस कुर्बानी को कबूल फरमाना, क्योंकि ये लाजमी है कि हर इंसान की कुर्बानी कबूल हो, क्योंकि हर कोई अपने शौक से ही कुर्बानी जो है ना करता है, तो जाहिर सी बात है वो अल्लाह की राह में देने के लिए ही करता है। तो अल्लाह हर किसी की कुर्बानी कबूल करे। तो इंशाल्लाह आप वीडियो पूरी देखिएगा, आज का जो वीडियो है इंटरेस्टिंग होने वाला है, आज आपको देखने को बहुत कुछ मिलेगा ये मैं आपको बता दूं। तो फिलहाल जो है ना अभी हमारे तीन बकरों की ये देख लें यहाँ पे अभी टहल महल हो रही है, तो ये चल फिर रहे हैं खा पी लें। तो फिलहाल अभी हम जो है ना फार्म पे चलते हैं, वहाँ पे चल के देखते हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है। तो गाइज ये देख लें, ये माशाल्लाह हमारा शेर जो अभी सैलेज खा रहा है, सैलेज खाने दें इसे, सैलेज खिलाने के बाद फिर इंशाल्लाह इसको अल्लाह की राह में तकबीर करेंगे। तो माशाल्लाह ये हमने फ्रीजन जो बच्चा जो हमने इसको मेहनत के साथ 2-2.5 साल तैयार किया है, तो हमारा दिल किया कि इसको अल्लाह की राह में इसको आज दें। माशाल्लाह हमारे हाफिज साहब भी आए हुए हैं, दुआ शुआ मांगेंगे अभी। क्या मैं कहना तो एक बड़ा आ गया नहीं थे गोश्त वाला अंदर बड़ा गिन सो गिराज है ना ब्रांडेज बया पक्का लाते, तो ये अभी फैसला नहीं हो रहा। जो ये हमारे कसाई साहब हैं, बस नाम के ही कसाई हैं, पता नहीं बनाना भी आता है या नहीं आता, तो ये अभी पता लगेगा। तो शायद इस ईद की जो पहली वो सुनने में आता है ना कारगर्दगी, वो अभी देखने को मिलेगी आपको इंशाल्लाह। मार
दो ढाई साल से इसको तैयार किया था, कितने बंदे इसको कवर कर रहे थे, पर इसने अपनी ताकत जो है ना फुल दिखाई है। उस हिसाब से माशाल्लाह इसको हमने भी अपनी ताकत दिखाई है, तो ये अभी हम इसको गिबा तो कर लिए। ये देख लें, ये हमारा माल जो बच्चा है वहाँ से बाहर से बन के अंदर आ गया शेर का। इसकी हम जो है ना हमारे पास इनको चाय शाय पिला रहे हैं, इनको गोश्त भी खिलाएंगे, खुद भी खाएंगे। तो अभी जो है ये बनाने का टाइम है। ये हमारे कसाई साहब हैं, इनको अभी जो है ना बैठने में सुकून नहीं आ रहा, तो ये अब काम स्टार्ट हो गया है, गोश्त बन रहा है। माशाल्लाह जी, ये देखें जी, हमारा गोश्त जो है ना रेडी हो गया है। कसाई साहब ने आज मेहरबानी की है हमारे ऊपर, बड़ी हिम्मत की है इन्होंने सुबह, तो ये रेडी हो गया हमारा गोश्त। अब इसको हम मिक्स कर रहे हैं, मिक्स करने के बाद जो है ना इसको हिस्से करेंगे इंशाल्लाह, फिर इसको गरीबों में तकसीम करेंगे। गाइस ये देख लें माशाल्लाह, यहाँ पे जो हमारे घर जो चाचू वगैरह वालों ने कुर्बानी की थी, उसका ये गोश्त चलाने का टाइम हो गया है। वंडियाँ वगैरह
तो रश चेक करें आप, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। ये अब ये गोश्त तकसीम हो रहा है, हम तो इजीली ये होके आ गए हैं अपने फार्म पे, वहाँ से सारा चला दिया तो यहाँ बच गया था, तो यहाँ भी अभी चल रहा है। तो गाइस क्या हाल चाल है, सब खैरियत से होंगे, शायद ईद सबकी अच्छी तरीके से गुजर गई है। तो जी आज हमने जो ईद है अपने फार्म के ऊपर गुजारी है। ये आप देख रहे हैं फ्लोर हमारा, जो हमने कल इसको डलवाया था, तो ये माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त सूखा हुआ है। तो जी हमारी तो कुर्बानी हो गई है, हमने जो है ना गोश्त शोश जो बांटना था गरीबों में बांट दिया, तो अभी हम जो है फ्री हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं घर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कल, आज का वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। तो इंशाल्लाह अभी चल के रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने के बाद शाम को फिर फार्म पे आएंगे। तो इंशाल्लाह अगर आज को हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।